नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल सपनों की उड़ान में। तो जैसा कि सभी भाई बहनों को पता है कि फरवरी में रेलवे का एग्जाम जो होने जा रहा है, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का, उसी के दरमियान हमने जो है शुरू किया था लेसन रेशियो का मैथ, जो बहुत ही धमाकेदार क्लास। पिछला 3 वीडियो डाल चुके हैं, प्ले लिस्ट में होगा, आप वहाँ से देख लेंगे। आज हम लाए हैं वीडियो नंबर 4, जो जोड़ घटाओं पर आधारित प्रश्न होगा और बिल्कुल धमाकेदार ट्रिक के साथ आए हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल है, 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, एक्स वाई जेड सब मान के बनाएंगे तो बहुत देर हो जाएगा, तो ऐसा मैथ बनाएंगे तो तभी परीक्षा ही छूट जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, देसी जुगाड़ हॉट ट्रिक, आप 17 और 19 को लिखेंगे थोड़ा सा दूरी बना करके, आईसी का ठीक नीचे लिखेंगे यहाँ पर आप 5 और 7 का। अब क्या करना है, दोनों को आपस में तिरछा तिरछा गुना करके घटा लेना है। जैसे 17 को 7 से गुना करेंगे तो 17 से 19 और 19 5 95, आप दोनों को घटा लेंगे यहाँ पर। अब क्या करना है, यहाँ पर नीचे वाला का अंतर कर देंगे हम, नीचे वाला का अंतर तो 7 में से 5 अंतर कर लेंगे। यहाँ गया 119 में से 95 घटाइएगा तो 9 में से 5 गया 4, 11 में से 9 गया 2, 7 में से 5 गया 2, और कट गया 12 बार में, आपका आंसर तैयार। देखें कितना आसानी से बन गया, तिरछा तिरछा गुना करके घटा लेना है और नीचे वाला को घटा करके भागा दे देना है, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। इसको एक्स वाई से करेंगे तो आपका टाइम लग जाएगा, लेकिन वहां आपको टाइम तो मिलेगा नहीं, 100 सवाल बनाना है 1.5 घंटा में। उसी तरीका से चाहे यहाँ पर घटाया जाए या जोड़ा जाए, करना वही तरीका है, चाहे जोड़ रहे या घटाव रहे करना वही तरीका है। फिर यहाँ पर लिखेंगे 3 और 5 और क्या है 2 और 3, फिर क्या करना है, तिरछा तिरछे गुना कर देना है तो 5 × 2 = 10 और फिर 3 × 3 = 9 घटा लेना है दोनों का आपस में। अब नीचे वाला का घटाओ तो नीचे में कितना है तो 3 और 2, इसको घटा लेना है तो 10 में से 9 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, मतलब ये हो गया 1, मतलब इसके पद में अगर 1 जोड़ दें तो आपका अनुपात इतना हो जाएगा। थोड़ा सा चेक भी करके दिखा तो होता है कि नहीं, 3 है और 5 है, कह रहा था क्या जोड़ने के लिए, अगर 1 इसमें जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 = 4 और 5 और 1 = 6, तो कटेगा तो होगा 2 × 2 = 4 और 3 × 2 = 6, तो कितना हो गया अनुपात, 2:3। देखिए 2:3 आज भी था, सही था, तो ये हम चेक करके दिखा दिए कि ऐसे करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। अब क्या है, 2 संख्याओं में से इतना अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे तो उनमें इतना का अनुपात हो जाता है, तो बड़ा संख्या क्या है। देखिए बड़ा संख्या क्या है, ये जो मैथ है इसको कहते हैं डबल रेशियो, 1 रेशियो यहाँ भी है 1 रेशियो यहाँ भी है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 7 और 9 अनुपात है, फिर यहाँ पर 4:5 है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपात का जो योग है उसको देख लेते हैं कितना आता है। यहाँ से देखेंगे अंतर कितना है तो 9 में से 5 गई 4 बच रहा है, 7 में से 4 गया कितना बच रहा है 3, तो ऐसा रहेगा तो ऐसा में ये काम नहीं करेगा। करना क्या है, दोनों का जो अंतर है बिल्कुल 1 रहना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, ये दोनों को घटा करके आपस में इसमें गुना कर देना है, तो 5 में से 4 गया तो 1 आ जाएगा और 9 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब क्या होगा, गुना करेंगे, यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 9 = 9, 2 × 4 = 8 और 2 × 5 = 10। अब देखिए यहाँ से अगर अंतर निकालेंगे यहाँ पर से तो 10 में से 9 गया 1, 8 में 7 गया 1, तो यही अंतर को समान करने के लिए आपको इसको घटा करके यहाँ गुना करना होगा, इसको घटा करके यहाँ गुना करना होगा। अब देखिए बिल्कुल अंतर समान है। अब क्या कह रहा गया कि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग, पूरा जितना भी मैथ बनाएंगे हम लोग एक ही फार्मूला का काम करेंगे। करना क्या है,
किताब बटा हम, और गुना कर देना है यहाँ पर, निकालना क्या है हमको, बस यही फॉर्मूला हम लोग लगावेंगे, इस्तेमाल करेंगे, किताब बटा हम और क्या हमको निकालना है, मतलब किताब बटा हम और निकालना, इसी पर ले चलेंगे। तो किताब कह रहा है कि पांच जोड़ दिया जाए, तो लिख देते हैं भाई हम भी यहाँ पर, किताब कह रहा है पांच जोड़ दिया जाए, तो हम कह देंगे कितना, नौ से दस बनाने के लिए एक जोड़ना होगा, चाहे सात से आठ बनाने के लिए एक जोड़ना होगा। तो किताब कह रहा है पांच जोड़ने के लिए, तो हम कहेंगे एक जोड़ने के लिए, और कह रहा है क्या बड़ी संख्या निकाले, तो बड़ा संख्या कहेगा तो नौ रहेगा यहाँ पर, यही निकालना है गुना करने के लिए, तो एक तो मतलब नहीं है, तो नौ बचे पैतालीस, ये हो गया आपका आंसर बड़ी संख्या। अगर ये पूछेगा छोटी संख्या, तो सात से गुना कर देंगे, तो सात बचे पैतीस, ये हो गया आपका छोटी संख्या, तो दोनों बन गया बड़ी संख्या भी और छोटी संख्या भी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें आप। चलिए अब ये मटा देते हैं, अब ये अलग बना के दिखाते हैं, चलिए ये भी सीख लेते हैं तुरंत। बस करना क्या है कि फॉर्मूला लगेगा किताब बटा हम, ये कहीं मिलेगा भी नहीं कोई किताब में, किताब बटा हम मतलब किताब का बात को ऊपर रखेंगे और हम अपना बात नीचे रखेंगे, और जो आपको निकालना रहेगा वही आप निकाल लेंगे यहाँ से। बस पूरा जितना भी रेशियो है, परसेंटेज है, लाभ हानि है, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, काम समय, समय दूरी, सभी में यही फॉर्मूला लगावेंगे, ऊपरे में किताब वाला बात और नीचे में अपना बात, जो निकालने का रहेगा यहाँ कर देंगे। अब देखिए यहाँ से दो राशि कितना है, तो दो अनुपात तीन, और एक यहाँ पर है, प्रत्येक राशि में पाँच घटाया जाए तो अनुपात तीन पाँच हो गया, तीन पाँच हो गया। अब देखिए यहाँ से कर लीजिए, तो तीन में से पाँच यानी पाँच में से तीन गया दो बच रहा है, और तीन में से दो गया था एक बच रहा है, तो अंतर ही नहीं सही है, दोनों एक ही एक किसी माना चाहिए। अब क्या करना है, इसका घटा करके उसमें गुना कर देना है, तो पाँच में से तीन गया तो यहाँ डाल देंगे गुना, और तीन में से दो गया तो एक आया तो एक यहाँ कर देंगे, तो हो गया दो दूनी चार, दो दिया छ, तो वही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से करेंगे तो एक किसी में, छः में से पाँच गया एक, चार तीन गया एक। अब क्या कर रहा है, पाँच घटाया जाए, प्रत्येक में पाँच घटाया जाए तो हम भी कहेंगे कितना है, छः में से पाँच घट जाएगा तो बचेगा एक। अब क्या करना है, छोटी संख्या क्या है, छोटी राशि, तो छोटी राशि कौन है आपका, तो छोटी राशि चार यहाँ पर है, तो चार हो गया यहाँ पर, तो पंचों को बीस, ये हो गया आपका बीस आंसर। ये माइनस चिन्ह नहीं यहाँ पर है, कह रहा था किताब पाँच घटाया जाए, हम कहेंगे कितना घटाना है, तो एक घटाना है, छोटा कौन है, तो छोटा चार है, तो चार से गुना करेंगे बीस, कहेगा बड़ा कौन है, तो बड़ा छः है, तो छः से, तो छः पचे तीस हो जाएगा बड़ा वाला। तो इस तरीका से देखें हम रेशियो में जोड़ घटाओं पर आधारित प्रश्न, और बहुत ही अच्छा है ट्रिक है, किताब बटा हम गुने निकालना, किताब बटा हम गुना निकालना, इसी पर सब मैथ बनेगा, चाहे डबल रेशियो का मैथ रहे, चाहे सिंगल रेशियो का मैथ रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगली बार आएंगे वीडियो नंबर पाँच लेकर के, जो यहाँ जोड़ घटाओं पर है, अगला बार रहेगा संख्याओं पर आधारित। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये छोटा छोटा वीडियो जरूर है लेकिन बहुत ही काम का चीज़ है, आपको पिकलम खोल करके बैठे पढ़े लिखें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।